इसराइल और हमास की जंग इस वक्त रुकी हुई है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि आर्थिक नुकसान तो दुनिया के हर देश को उठाना पड़ता। इस वजह से इंतजार इसी बात का किया जा रहा था और वो वक्त अब आ भी चुका है। पिछले शुक्रवार से सीजफायर का ऐलान किया गया। इसराइल और हमास इस वक्त रुके हुए हैं, किसी तरीके की लड़ाई दोनों के बीच में नहीं हो रही है, लेकिन कल ये सीजफायर खत्म हो गया था। इस सीजफायर के खत्म होने के कुछ मिनटों पहले ही ऐलान कर दिया गया कि इस सीजफायर को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, दुनिया में कोई भी काम होता है, कोई देश करे, कोई व्यक्ति करे या फिर कोई भी संगठन करे, वो बिना मकसद के नहीं होता। और ये जो केस है इसराइल और हमास का सीजफायर बढ़ाने को लेकर, इसका भी कुछ ऐसा ही मकसद है। बिना मकसद के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता, कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ता, कोई भी व्यक्ति नहीं आगे बढ़ता, और उसी के आधार पर फिर वो फैसले भी लेने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसको यूं कहा जा सकता है कि तूफान से पहले की जो शांति है वो बनती हुई दिख रही है। इसराइल और हमास के बीच सीजफायर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिका की अध्यक्षता में कतर ने मध्यस्थता कराई थी इसराइल और हमास के बीच। दोनों माने जरूर थे कि हम सीजफायर करवाएंगे, चार दिन के लिए वक्त तय किया गया था, लेकिन अभी खींच के 7 दिन लगभग हो चुका है। पिछले शुक्रवार से इसकी शुरुआत हुई थी, सोमवार तक का वक्त तय किया गया था, लेकिन 2 दिन बढ़ाया गया और आज एक बार फिर से 1 दिन के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। लेकिन आप यहां पर यह समझिए कि आखिर हमास और इसराइल इन दिनों कर क्या रहे हैं, इस सीजफायर के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया। देखिए, दोनों के बीच में डील हुई थी कि अगर हम सीजफायर करेंगे तो उसकी जगह पर 30 फिलिस्तीनियों के बदले 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा इसराइल। ये डील यहां पर हुई थी, यानी कि 30 फिलिस्तीनी अगर इसराइल रिहा करेगा तो 10 जो इसराइली बंधक हैं उनको भी उनकी ओर से रिहा किया जाएगा। तो बंधकों का आदान प्रदान यहां पर हो रहा है। जितने भी बंधक बनाए गए इसराइल की ओर से, जो पहले ही बना लिए गए थे कई फिलिस्तीनी बंधक, और उसके अलावा जो हमास की ओर से गाजा में कई सारे लोग बंधक बनाए गए थे 7 अक्टूबर की तारीख को, वो अब यहां पर रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये हमास की ही डील थी, उसकी ही दिमाग की कहीं ना कहीं उपज थी। और देखिए किस तरीके से मध्यस्थता दोनों के बीच में कराई तो गई है, लेकिन हमास खुद को यहां पर कमजोर नहीं साबित करने वाला। वो अब तैयारी कर रहा है आगे आने वाले युद्ध की, जिसकी भनक शायद इसराइल को नहीं है। और कुछ ऐसा ही हुआ था 7 अक्टूबर को भी, उससे पहले भी उसने बहुत सारी तैयारियां की हुई थी उस आक्रमण के लिए, लेकिन इसकी भनक उसने इसराइल को नहीं लगने दी। और एक्सपर्ट्स अब भी यही मान रहे हैं कि अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर रहा है इस दौरान हमास। इसके अलावा तैयारी करने में उसको वक्त मिल गया है, तैयारी वो लगातार कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा, अपने हथियारों की सप्लाई को और ज्यादा मजबूत वो करेगा, और जितने भी उसके साथी देश हैं उनसे वो सहायता लेता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हमास के जो बंधक हैं वो भी छूट रहे हैं, तो इसका फायदा सीधे सीधे हमास को ही मिल रहा है। गाजा में जो लोग रह रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो अब हमास के विरोध में सामने खुलकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो वक्त उसको मिला है सीजफायर दौरान का, इसका वो फायदा उठाएगा, उन तक जाएगा और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश हमास की ओर से की जाएगी। इसके अलावा देखिए, इसराइल अब घिरता हुआ जा रहा है। इसराइल एकमात्र यहूदी देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में, और वो घिरा हुआ है मुस्लिम देशों से। इसराइल अब आप देख रहे होंगे अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की अध्यक्षता में ये मध्यस्थता कराई है कतर ने, और ऐसे में अब उसको हथियारों की सप्लाई अमेरिका की ओर से तो हो ही रही है, लेकिन तमाम मुस्लिम देशों से वो घिरा हुआ है। तो एक तरीके का दबाव अब इसराइल पर भी है कि इस युद्ध को जल्द ही खत्म करो या फिर जंग को कुछ वक्त के लिए रोको। तो जंग रोकने का दबाव यहां पर इसराइल पर बढ़ेगा, क्योंकि मुस्लिम देश अब एकजुट हो गए हैं, और उधर लेबनन और साथ साथ ईरान भी अब फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते हैं, फ्रंट फुट पर आकर इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। तो इसका खतरा सीधे सीधे इसराइल को ही होगा। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीजफायर के साथ साथ युद्ध खत्म भी हो जाए, या अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो हमास इसके लिए पूरी तरीके से तैयार दिखेगा।